महंत नरेंद्र गिरी ने मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट में भले ही एक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने की बात लिखी थी, लेकिन शुरू से माना जा रहा है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच संपत्ति का विवाद है। सीबीआई ने अगर मठ के संपत्तियों के विवाद की छानबीन शुरू की तो कई राज बाहर आएंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव आशीष गिरी की मौत से लेकर ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए आनंद गिरी की कहानी भी सामने आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार होने पर चर्चा थी कि महंत ने करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें बचाया था। निरंजनी अखाड़े के सचिव आशीष गिरी पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। दारागंज स्थित मठ में 17 नवंबर 2019 की सुबह गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। वो अखाड़े के आश्रम में बने कमरे के बिस्तर पर मृत मिले थे। हथेली में फंसी पिस्टल वो मौके से बरामद खोखे के आधार पर पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था। उनकी मौत के बाद संपत्ति का विवाद बताया गया, लेकिन मौके पर पहुंचे तत्कालीन अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के नरेंद्र गिरी ने मीडिया से कहा कि आशीष गिरी ने शराब पीने की बात सामने आने पर आत्मगलीन में ये कदम उठाया है। उस वक्त नरेंद्र गिरी के दबाव में पुलिस ने आत्महत्या को उकसाने का मामला भी दर्ज नहीं किया था। आशीष गिरी का समर्थन करने वाले संतों का दारागंज मठ में स्थानांतरण कर दिया गया। इस घटना के कुछ माह पहले ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े योग गुरु आनंद गिरी को मई 2019 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रयागराज में खलबली मची रही। उस वक्त चर्चा थी कि साजिश के तहत महिलाओं ने आनंद गिरी को वहां पर फंसाया है। उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए महंत नरेंद्र गिरी को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ा था। चर्चा ये भी थी कि मठ की संपत्ति बेचकर ही उन्हें करोड़ों रुपए भेजा गया था। उनके आने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के नाम से खरीदी गई संपत्ति को बेचने के लिए कहा था। SIT द्वारा पकड़े जाने पर आनंद गिरी ने बयान दिया था कि मठ की संपत्ति बेचने से इनकार करने पर ही उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया गया था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।